से आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 11 की कमांड संभाले हैं नव आरक्षक आशीष बगारती। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परेड का निरीक्षण करने के लिए रवाना होते हुए आपके साथ हैं श्री सोनम छेरिंग, कमांडेंट ट्रेनिंग, सहायक प्रशिक्षण केंद्र उधमपुर। पराक्रम पदक, यूनाइटेड नेशन मेडल, यूएन कमेंडेशन, डीजीपी कमेंडेशन, डीजीसीआर एवं आईजीसीसी से विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया। महानिरीक्षक हुआ।
आईएसएल मैनेजमेंट कोर्स एवं सीनियर कमांड कोर्स शामिल है। अभी तक के सेवा काल में आप जम्मू एवं कश्मीर के अति सर्वदलीय तो मेरा नाम रोहन स्वाई है, मैं उड़ीसा से हूँ। आज इतना खुशी लग रहा है कि हम 44 सप्ताह की जो कि 11 महीना का कठिन प्रशिक्षण लेके हम आज उसका सफलतापूर्वक पास किए हैं। और मेरे इंस्ट्रक्टर और आईजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनके कठिन परिश्रम से हम आज ये पासिंग आउट हो पाए हैं। और हमारा कंपनी के सभी उस्ताद गणों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें सुरक्षित करके हमें किसी कहाँ पर कैसे रहना है, किस जगह में कैसे रह के हम अपना देश को सुरक्षा कर सकते हैं, उसके बावजूद हमें बहुत कुछ सिखलाई दिए है। इसलिए सभी का धन्यवाद। और खुशी के मौके पर कुछ दुख भी है क्योंकि मेरा बैचमेट है जो इंस्ट्रक्टर है, सभी को हम बॉर्डर जाके जुदा हो जाएंगे। इधर से इस पोल से हम अलग अलग हो जाएंगे, कोई जा रहा है कश्मीर, कोई जा रहा है त्रिपुरा, इधर से हम अलग अलग हो जा रहे हैं। इसलिए सभी को मिस करेंगे भी और खुशी भी है कि सभी, और कंग्रेचुलेशन भी है कि हम 44 सप्ताह का प्रशिक्षण करके के बाद हम पास आउट हो गए हैं। सभी को जय हिंद। ये 44 हफ्ते की जो है ट्रेनिंग की है इन्होंने, और हमने इनको जो है भरपूर अपनी तरफ से जो है बेस्ट जो है ट्रेनिंग दी है। और उम्मीद करता हूँ कि जब अभी जो है अपने अपने यूनिटों में जाएंगे, इसमें ज़्यादातर लोग त्रिपुरा जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू बॉर्डर में जा रहे हैं, और वहाँ ये जो है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे अपना। और इनको हमने शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी जो है बहुत अच्छी तरह तैयार किया है। और इनको कई हथियारों पर जो है विशेष जो है इनको तैयारी करवाई है, और साथ साथ जो है जितने भी हमारे माइनर टैक्टिक्स है, फील्ड क्राफ्ट वगैरह है, उसके बारे में इनको जो है सिखलाया गया है। और उम्मीद आएंगे वहाँ पर तो बेहतर करेंगे। और इनके जो भावी सीओ हैं, जो कमांडेंट्स हैं, उनको भी हमने जो है बतलाया हुआ है कि वहाँ पहुँचते ही जो है इनके टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। व उनके परिवारजन, जो प्यारे बच्चों, आज की भव्य दीक्षांत परेड की सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और मैं इन सभी युवा नवाचकों को उनके कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस प्रशिक्षण केंद्र से 624 नवाचक, जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध रखते हैं, 44 सप्ताह का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर देश सेवा के लिए हर प्रकार की जिम्मेवारी संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इन नौजवानों के जोश और हौसलों ने परेड के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जो शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया है वह तथा संपूर्ण देशवासियों को सुरक्षा का यह पैगाम देता है कि भारत माता की मान, पान और शान के लिए ये बहादुर जवान किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आज का दिन इन नवाचकों के लिए जीवन का स्वर्ण क्षण है, क्योंकि आज वे प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित एवं व्यवसायिक रूप से 10 सीमा प्रहरी के रूप में शामिल हो रहे हैं। सभी वर्दीधारी बलों में दीक्षांत परेड एक ऐसा अनूठा पल होता है जो जीवन भर के लिए स्वराष्ट्रों में अंकित हो जाता है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान किया गया कठिन परिश्रम आने वाले समय में आपके हृदय में स्मृति रूप में याद आएगा। यह एक ऐसा अवसर है जब आप लंबी अवधि के कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षण केंद्र से अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम हमारे राष्ट्र की सेवा, धर्म के कार्य को सहज और सुगम बनाएगा। आपका खून बहने से बचाएगा।